यहां पर कब्जा रहा है और बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। उत्तराखंड में बागेश्वर सीट पर वोटिंग जारी है। लगातार बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं और उत्तराखंड में बागेश्वर सीट पर उपचुनाव सुबह से ही 172 केंद्रों पर कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं और 11 बजे तक 26% मतदान हुआ है। 1,18,225 मतदाता वोट डालेंगे और 60,045 पुरुष और 58,180 महिलाएं मतदाता शामिल है। तो उत्तराखंड से बड़ी जानकारी, बागेश्वर सीट पर वोटिंग जारी है और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम कर लिए हैं। कैलाश जोशी उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, बागेश्वर सीट पर उपचुनाव जारी है, आपको हम बताते चले कि 20 सालों से चंदन रामदास के परिवार का इस सीट पर कब्जा है, लेकिन पिछले 4 बार की अगर हम चुनाव की बात करें तो इस बार का चुनाव ज्यादा कांटे का माना जा रहा है। बिल्कुल किरण, देखिए सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को फीडबैक दे दूं कि 11 बजे तक जो बागेश्वर उपचुनाव में जो वोटिंग हुई है उसका 26% वोटिंग हुई है। ये अपने आप में एक यूं कहे कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि सेकेंड राउंड का जो आंकड़ा आया है उसमें 26% मतदान वहां पर हुआ है, क्योंकि पहले राउंड में 8 बजे से 9 बजे के बीच में जो वोटिंग हुई थी वो लगभग 10.2% थी और जो 11 बजे तक का आंकड़ा आया है वो लगभग 26% मतदान होने की पुष्टि वहां पर जिलाधिकारी रंजना जो जिलाधिकारी है वहां पर उनके द्वारा की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि पिछले तीन टर्म से जो है लगातार चंदन राम दास वहां पर विधायक रहे हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि पिछले तीन टर्म से लगातार वहां पर जो है चंदन राम दास विधायक रहे हैं और तमाम क्षेत्र के जो योजनाएं होती है, विकास की योजनाएं होती है और तमाम जो क्षेत्र की समस्याएं होती है उनको लेकर सदन में बहुत प्रमुखता से अपनी आवाज उठाते थे। हालांकि आज वो आवाज अपने बीच में नहीं है, लेकिन उनके मरणोपरांत ये उपचुनाव हो रहा है जहां पर उनकी जो पत्नी है पार्वती दास, उनको भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है और वो इस वक्त मैदान में है। आज बागेश्वर में उपचुनाव हो रहा है और सुबह 7 बजे से वहां पर वोटिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि पहले जब 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी तो पहले राउंड में जो बैलेट जो मॉफ हुई थी, मॉफ के बाद फिर उसके बाद बैलेट पेपर का जो वोटिंग हुआ था, उसके बाद फिर जो सिविल सर्विसेज वाले लोग होते हैं सर्विसेज उसका वोट हुआ था, फिर उसके बाद 8 बजे पोलिंग जनरल शुरू हो गई थी और 8 बजे जब हमने 9 बजे आंकड़ा लिया था तो 9 बजे लगभग 10.2% पहले राउंड में ये मतदान निकल कर आया था कि जो टोटल 188 बूथ हैं उनमें से जो मतदान हुआ था उसमें 10.2% मतदान वहां पर देखने को मिला था। लेकिन 11 बजे तक का जो आंकड़ा यहां पर आया है वो चौंकाने वाला है, 26% मतदान 11 बजे तक वहां पर हो चुका है। किरण, कैलाश जी आप लगातार अपडेट दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं मौसम की बात करूं तो अभी वहां पर मौसम क्या है और लोगों में कितना उत्साह अभी देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए किरण, जहां तक मौसम का सवाल है, इस वक्त आज पोलिंग जरूर चल रही है लेकिन इस वक्त गर्मी है, प्रचंड गर्मी यहां पर चल रही है, चटक धूप खिली हुई है, लोग परेशान जरूर हैं लेकिन फिर भी लोग उत्साह पूर्वक अपने पावन पर्व है, जो मतदान का पावन पर्व होता है, अपने मताधिकारों का प्रयोग करने के लिए लोग बढ़ चढ़ कर जो है अभी हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर एक तो खेती का समय है और खेती के समय में सुबह सुबह धूप से बचने के लिए लोगों ने मतदान यहाँ पर बहुत तेजी के साथ किया है। फिलहाल अब अगर हम देखें तो अभी से क्योंकि दोपहर में भोजन का समय भी यहाँ पर होता है तो थोड़ा सा मतदान में जो है यहाँ पर कमी दिखाई देगी, क्योंकि स्लो मतदान यहाँ पर होगा क्योंकि गर्मी में कम लोग निकलेंगे। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बागेश्वर जो सीट है ये एक तो पहाड़ी बाहुली सीट है, दूसरी चीज बागेश्वर जो प्रॉपर शहर वो घाटी के बीच में बसा हुआ है, वहां पर भी गर्मी तेज पड़ती है और पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में जो मतदान स्थल है यानी कि गांव से लेकर मतदान स्थल तक लोगों को पैदल जाना होता है, कई जगहों पर 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर का डिस्टेंस भी लोगों को तय करना होता है, तो दिन में अभी जो मतदान होगा उसमें थोड़ी सी रफ्तार में कमी जरूर देखने को मिलेगी। बहरहाल इस वक्त जो है उत्साहपूर्ण तरीके से जो वहां की जनता है वो पोलिंग कर रही है, वोटिंग अपना वोट वहां पर दे रही है और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है किरण कि इस वक्त जो बागेश्वर का उपचुनाव है बड़ा ही रोचक दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मतदान ने स्पीड पकड़ी है अब ये तो शाम के वक्त आकलन पता चलेगा कि कुल प्रतिशत मतदान कितना गया है,
उसके बाद आकलन वहां का लगाया जा सकता है कि अगर मतदान में वृद्धि होती है तो किसको फायदा होने जा रहा है, अगर मतदान में कमी आती है तो किसको फायदा होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं ओवरऑल सिनेरियो की बात करते हैं तो भाजपा और कांग्रेस दोनों मजबूत कैंडिडेट यहां पर हैं और दोनों ही बड़ी तरीके से सलीके से उन्होंने चुनाव को लड़ा है और आज उनके भाग्य का फैसला यहां पर जनता करने जा रही है। किरण, देखिए बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के हलक तो यहां पर जरूर सूख रहे होंगे, लेकिन उनकी तरफ से दावा भी यही किया जा रहा है, बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है और कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। अब बिल्कुल देखिए किरण, जहां तक जीत का सवाल है, दावा करने का सवाल है, वहां पर कोई भी पार्टी अपने हार का दावा तो कभी करती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतरती है वो हमेशा जीत का दावा करती है। हालांकि ये जनता के हाथ में है कि किसके सर पर ताज सजाएगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस प्रकार से उपचुनाव था और उपचुनाव में जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं या फिर जो सिस्टम देखने को मिला उससे लगातार ये लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में, चाहे कांग्रेस की बात कर लें या भाजपा की बात कर लें, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है बसंत कुमार वो भी किसी से कम नहीं है, भाजपा के प्रत्याशी से कम नहीं है, वो भी मजबूत कैंडिडेट के रूप में इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बसंत कुमार का ये तीसरा चुनाव है, पहला जो चुनाव उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था, दूसरा उन्होंने आम आदमी पार्टी से लड़ा था, तीसरी बार इस बार जो है वो कांग्रेस से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। अगर हम वोटिंग परसेंटेज की लगातार बात कर ले तो बसंत कुमार ने जब से चुनाव लड़ा है तब से लगातार उनके जो वोटिंग परसेंटेज था या उनको मतों का परसेंटेज था वो बढ़ता गया, क्योंकि जब बसपा से चुनाव लड़े थे लगभग 12,000 के लगभग उनको वोट पड़ा था और जब आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे तो लगभग 16,500 के लगभग उनको वोट पड़े थे। तो इस बार अब कांग्रेस का जो कैडर है वो उनके साथ ऐड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण चुनाव है। भाजपा के प्रत्याशी को चुनौती तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन अब ये भविष्य के गर्त में है कि आज जनता जो है किसके भाग्य का फैसला यहां पर करती है। 8 तारीख को यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसके सर पर ताज सज रहा है। बहरहाल भाजपा और कांग्रेस के बीच फाइट यहां पर जरूर दिख रही है और जिस प्रकार से मत प्रतिशत अभी तक बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं भाजपा की चिंताएं भी बढ़ी हैं और कांग्रेस में भी बल यहां पर जो है पड़ता हुआ नजर आ रहा है। किरण, कैलाश जी, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो मतदान को लेकर यहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, तमाम दर्शकों को वो भी आप जानकारी दीजिए। देखिए किरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो जिले की तीनों सीमाएं यहां पर बंद कर दी गई हैं। सीमाओं पर सघन चौकसी चली है, चेकिंग अभियान जारी है और पोलिंग बूथों की अगर बात करें तो पोलिंग बूथों पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं, निर्वाचन आयोग की तरफ से किए गए। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई घटना, किसी प्रकार का कोई ऐसा वाक्या सामने नहीं आया है जिससे कोई सवाल खड़े होते हों। हालांकि पहाड़ी बाहुल्य क्षेत्र है, पहाड़ों में बूथ कैप्चिंग जैसी घटनाएं नहीं होती हैं, किसी प्रकार की कोई ऐसी उदंडता वहां पर नहीं देखने को मिलती है। आदमी आता है और आसानी से अपने अपने जो मत का प्रयोग करने के बाद सीधे अपने गंतव्य की ओर चले जाता है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद है, प्रशासन की टीम मौके पर है, कई स्थानों पर, कई बूथों पर जो है वीडियोग्राफी यहां पर की जा रही है और इंटीरियर्स को छोड़ के बाकी मैदानी क्षेत्रों में तमाम जो बड़े बड़े बूथ हैं उन पर जो है प्रशासन की ओर से वीडियोग्राफी भी की जा रही है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभी तक सामने नहीं आ रही है, लगातार शांतिपूर्ण मतदान बागेश्वर में चल रहा है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया कि अब धीरे धीरे जो है दोपहर होती जा रही है, गर्मी, प्रचंड गर्मी यहाँ पर बढ़ रही है, तो धीरे धीरे मतदान में जरूर कमी यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि जैसे ही माहौल थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर लोग घरों से निकलेंगे, क्योंकि इस वक्त भोजन अवकाश का भी समय हो रहा है, खेती का समय भी है, तो लोग अभी थोड़ा सा जिन्होंने वोटिंग कर ली है वो लोग तो अपने गंतव्य की ओर वापस आ चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी नहीं की है वो लोग थोड़ा सा छांव का इंतजार जरूर करेंगे, क्योंकि प्रचंड गर्मी इस वक्त पड़ रही है, धूप खिली हुई है, गर्मी का एहसास हो रहा है, तो ऐसे में लोगों को पैदल जाना पड़ता है, गांव से लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे स्थानों पर पैदल जाना पड़ता है पोलिंग बूथ तक, तो उनको थोड़ा सा परेशानी जरूर हो रही होगी, लेकिन बहरहाल जो मतदान है वो जो कुशलपूर्ण यहां पर चल रहा है, किसी प्रकार की कोई यहां पर अभी तक दिक्कत सामने नहीं आई है। किरण, कैलाश जी, जैसा कि आपने जानकारी दी कि यहां पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, अगर हम महिलाओं और पुरुष की बात करें तो यहां पर किसकी ज्यादा तादाद देखने को मिल रही है? देखिए जहां तक जो सवाल है महिला और पुरुष का, महिला और पुरुष जो यहां पर टोटल 1,18,000 के लगभग वोटर हैं, जिसमें से लगभग 60,000 लोगों की पुरुषों की संख्या है, ऐसे ही महिलाएं भी सामने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है, क्योंकि देखिए जहां तक सवाल है उत्तराखंड की बात अगर मैं करता हूं तो यहां पर जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं उसमें महिलाएं और युवा
इन लोगों में ज्यादा क्रेज होता है, क्योंकि इस बार जो 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 उपचुनाव है इसमें कई ऐसे युवा चेहरे भी हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस बार मौका मिला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से खुशी लोगों के अंदर दिखाई दे रही है, जिस उत्साह के साथ लोग पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं, जिस उत्साह के साथ जो पोलिंग बूथों पर भीड़ दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि उपचुनाव में भी जिस प्रकार से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक बहुत सुखद पल का एहसास जरूर कराता है, और जिन लोगों को नया मौका मिला है वो लोग भी अपने मतदान का प्रयोग यहाँ पर कर पा रहे हैं। कैलाश जी, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से।